बोल रहा है कि अरुणाचल बुलाकर पार्ट है, ऐसा नहीं है। और हम इंडियन है और इंडियन ही रहेंगे, और ये अरुणाचल कभी चाइना का होगा नहीं। चीन द्वारा भारत के खिलाफ गुस्ताखी करने पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने तो जवाब दे ही दिया है, वहीं अरुणाचल प्रदेश के युवाओं ने भी चीन को दो टूक जवाब दिया। वहां के युवाओं ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। वहीं दूसरे एक युवक ने कहा कि अरुणाचल इंडिया का है और हमेशा रहेगा। वहीं एक तीसरे युवक ने कहा कि अरुणाचल कभी चीन का हिस्सा था ही नहीं, ऐसे में अरुणाचल प्रदेश इंडिया का है और हम सभी लोग इंडियन है। दरअसल चीन ने भारत के खिलाफ गुस्ताखी करते हुए अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न स्थानों के 30 नाम बदलने के बाद नए नाम जारी कर दिए हैं, जिसे वो चीन का हिस्सा बता रही है, जिसका भारत में पुरजोर तरीके से विरोध हो रहा है। जीत है और मैं अरुणाचल का वासी हूँ, और चाइना बोल रहा है कि अरुणाचल बुलाक पार्ट है, ऐसा नहीं है। अरुणाचल इंडिया का पार्ट है और हमेशा रहेगा। जय हिंद जय भारत। योगी भाई है और चाइना क्लेम कर रहा है कि अरुणाचल चाइना का है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अरुणाचल इंडिया का है और इंडिया का ही रहेगा, और हम इंडियन है और इंडियन ही रहेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम किशन प्रधान है और बेसिकली हम यहाँ पर अरुणाचल में, हम अभी तक मेरा जन्म यहाँ पर हुआ है। और चाइना जो क्लेम कर रहा है कि अरुणाचल चाइना का हिस्सा है, वो कभी था ना कभी रहेगा। अरुणाचल इज ए इंडिया, छोटा इंडिया है। यहाँ पर सभी जनजाति मतलब बाहर से आकर भी यहाँ पर रहते हैं और मेनलैंड से भी आते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर आके काम करते हैं, नौकरी भी कर रहे हैं। और ये अरुणाचल कभी चाइना का होगा नहीं, अरुणाचल इंडिया है और इंडिया ही रहेगा। हाय, मेरा नाम बामुक चपा है और चाइना बोल रहे कि अरुणाचल वो लोग का है, बट अरुणाचल हम लोग का ही है, इंडिया का ही, और हम लोग इंडियन ही रहेगा।